उत्तराखंड के हल्द्वानी से पिथौरगढ़ मुनस्याई और चंपावत के लिए 22 फरवरी से हेली सेवा प्रारंभ होने जा रही है। हल्द्वानी SDM पारितोष वर्मा ने बताया कि हेली सेवा का ट्रायल सफल होने पर DGCA की अनुमति के बाद सेवा शुरू करने का फैसला किया गया है। यह सेवा 22 फरवरी 2024 से प्रारंभ होगी। SDM पारितोष वर्मा ने बताया कि गौली पर हेलीपैड पर हेली सेवा के लिए ट्रायल किया गया है। इसके पश्चात नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कुछ अतिरिक्त कार्य करने के निर्देश दिए थे। SDM पारितोष वर्मा ने बताया कि हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने के मद्देनजर प्रशासन ने हेलीपैड में आवश्यक सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर दिया गया है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, हेरिटेज एविएशन द्वारा यहाँ गोलापार हवाई अड्डे से जो हमारा हेलीपैड है, इससे मुनस्यारी, पिथौरागढ़ और चंपावत 3 स्थानों के लिए हेली सेवा प्रारंभ की जा रही है। 22 तारीख से ये हेली सेवा प्रारंभ होने जा रही है। इसमें एक हेली डेडिकेटली यहीं रहेगा और 2 उड़ान मुनस्यारी के लिए, 2 उड़ान पिथौरागढ़ के लिए और 2 उड़ान चंपावत के लिए ये लेगा। साथ ही जैसा एविएशन वाला हेरिटेज एविएशन द्वारा बताया गया है कि 2500 रुपये इनका किराया चंपावत के लिए, 3000 पिथौरागढ़ के लिए और 3500 रुपये मुनस्यारी के लिए नियत किया गया है।